ये विरोध प्रदर्शन शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं, दरअसल सबसे पहले पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के रोहिंग्याओं को जगह दी थी। उसके बाद बिजली पानी जो है उन प्लॉट मालिकों की काट दी गई जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के जमीन दी थी। लेकिन इन सब के बीच एक जम्मू कश्मीर के जल शक्ति विभाग के मंत्री जावेद राणा ने साफ कह दिया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो बिजली पानी काटी गई है उसको रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन लगातार बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पे शिवसेना डोगरा फ्रंट मांग कर रही है कि जम्मू से इन लोगों को बाहर निकाला जाए। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर पे मांग की जा रही है कि इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से बाहर निकाला जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। साहब क्या मांग है आपकी? जावेद राणा मांग कर रहे हैं सर। जावेद राणा कैबिनेट मिनिस्टर होने पर संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या को बिजली पानी दे दो, संविधान कहता है। इसी उपराज्यपाल ने उनको उठा करके कठुआ जेल के अंदर बंद करा। जिसने बंद करा वो गलत है, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं सर। जो जिसने बंद करा वो गलत है या जो उनको बसाने की बातें कर रहा है वो गलत है। इसके लिए उपराज्यपाल जी उनके खिलाफ FIR दर्ज करो। एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसने संविधान की सुगंध ली वो ऐसा वैधानिक बातें कर सकता है क्या? वो कर रहा है। परमिशन दो, मैं आप अनुमति दो, मैं FIR दर्ज करवाता हूँ। लेकिन इस तरह से जब आपने उनको कठुआ जेल के अंदर बंद करा तो आपके पास क्या अथॉरिटी थी? आपने संविधान के अंतर्गत बंद करा तो वो संविधान के अंतर्गत बंद करने के लिए ये जो नई सरकार आई है इसको बिजनेस रूल नहीं पता, पता होने चाहिए। और अगर किसी को नहीं पता तो कैबिनेट मिनिस्टर होकर के संविधान की सुगंध खा करके वो उग्रवादियों का समर्थन कैसे करने का प्रयास करना चाहिए? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने उनको जो राइट्स है या उनकी बिजली पानी है वो दे रहे हैं। कहाँ लिखा? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है तो ये उपराज्यपाल ने जब कठुआ बंद करा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स नहीं देखी, तब क्यों नहीं देखी? फारूक अब्दुल्ला का बयान है, वो कह रहे हैं कि सेंटर पहले जिन्होंने बसाया है वो पहले क्लियर करे क्या करना है। ये फारूक अब्दुल्ला जी के समय से पहले के यहाँ बंद है, ये कांग्रेस की पैदावार है। एक हिस्ट पुष्ट व्यक्ति थे ना, वोटों की कहानी, वोटों के लिए बसाया गया नहीं? बिल्कुल वोटों के लिए बसाया गया जी। अब हमारा राइट हिंदुस्तानियों को राइट इनको मिलेगा, ये भी वोट कास्ट करेंगे, ये भी चुनेंगे हिंदुस्तान के अंदर कौन रिप्रेजेंटेटिव आएगा कौन जाएगा। अब आप मांग क्या कर रहे हैं? FIR दर्ज करने की अनुमति दो और इन सबको जैसे उपराज्यपाल ने उठा करके जेलों के अंदर बंद करा था उनको बंद करो। और जो घटना बांग्लादेश के अंदर घट रही है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाकर के वहां उसके बाद भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कोई बचती है? अरे वकील गए, वकील उनको भी मार मार के आपने अस्पताल के अंदर पहुंचा दिया।